दोस्तों आपने 1920 फिल्म तो देखी होगी, एक ऐसी फिल्म जो विश्वास दिला जाती है कि बॉलीवुड में हॉरर मूवी बनाई जा सकती है। एक ऐसी फिल्म जो बहुत ही रेयर तरीके से बनाई गई थी, उसके जैसा फॉर्मेट आज तक बॉलीवुड में किसी भी हॉरर फिल्म का नहीं लगा। वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेकिन दोस्तों आखिर ये फिल्म इतनी डरावनी क्यों बनी? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये फिल्म मेथड एक्टिंग हो गई थी। मेथड एक्टिंग बोला जाए तो एक ऐसी चीज़ जिसे रियल तरीके से दिखाया गया हो। दरअसल ये फिल्म की शूटिंग जहाँ हुई थी वो जगह खुद ही एक डरावनी जगह है। इस फिल्म की शूटिंग गैसल में हुई थी जो कि गलीडेन में है। ये एक ऐसी हवेली है जो कि वीरान स्थिति में है। इसके आसपास कुछ भी नहीं, केवल रेगिस्तान है। यहाँ बंजर जमीन जहाँ कोई भी नहीं रहता। इस हवेली में रहता है इसका केयरटेकर, जिसको सारी बात पता रहती है। हवेली की भूतिया बातें, कुछ खुफिया बातें। दरअसल दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एक ऐसा फिल्म बनाना था जो कि रियल लगे। तब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पता करने लगे एक जगह की जो कि रियल में भूतिया लगे। तब पता चला एक ऐसी जगह गैसल के बारे में जो कि अमेरिका में स्थित है। गैसल भूतिया है, वहाँ पर केयरटेकर हर वक्त रहा करता है। जब 1920 की फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब जो लीड एक्ट्रेस हैं अदा शर्मा ने पूरी टीम को भूतिया कहानी की बातें बता बता के डराती रहती थी और अलग अलग तरह के फेस करके भी डराती थी। लेकिन इन्हें भूत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन लोगों को डराने में बहुत मन लगता था। कई बार ये लुक बदल लेती थी और लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। लेकिन जब ये लोग अमेरिका पहुंचे तब इन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ है। जब अदा शर्मा घर के अंदर गईं तो उन्हें कुछ अजीब सा फील हुआ। तो वो सोची कि सबको मैं डराती रहती हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। एंटर करते ही उन्हें डायरेक्टर ही मिलता है। पुरानी फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है ना, चतुर्वेदी का केयर टेकर आता था ना, वैसे सामने आता है और बताता है कि हवेली सचमुच में हॉन्टेड है और बताता है आप लोग विश्वास करें या ना करें, यह हवेली सचमुच में हॉन्टेड है। लोग पूछते हैं तो केयरटेकर बताता है कि यहाँ पर एक हाउसकीपर रहा करता था बहुत पहले, जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी। वह मौत के बाद आत्मा हवेली को छोड़कर कभी नहीं गई। कितनी भी मजबूरी हो जाए, यह हवेली के किसी भी कमरे में अकेले नहीं रहना। अगर अकेले रहेंगे तो उसका सामना करना पड़ सकता है और वह बहुत ही खतरनाक है। अदा शर्मा को अभी भी ये बातें मजाक लग रही थीं। अदा शर्मा से बात करते हुए उस आदमी ने उस औरत की बड़ी सी पेंटिंग के सामने ले जाता है जो सुसाइड कर ली थी। उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर हवेली में रहा करती थी। अदा शर्मा जब उस पेंटिंग को देखती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं कि लंबे काले घने बाल, नीली आंखें, देखने में गोरी जैसे खुद अदा शर्मा हो। लोग काफ़ी हैरान हो गए और बोले ये तो बिल्कुल अदा जैसी दिख रही है। अदा को भी विश्वास हुआ। वहीं पर अदा के टीम मेंबर ने कहा, इस तस्वीर के साथ एक फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, हमेशा अपने साथ रखना, याद रहेगी कि मैं भी एक हॉन्टेड जगह पर गया था और चुड़ैल के साथ एक फ़ोटो खींची। सुनते ही केयर टेकर कहता है कि इस चीज़ को मजाक में ना लीजिए, जिसने भी ये पेंटिंग के साथ फ़ोटो खिंचवाई है वह खुद डेवलप नहीं हुई है। अपने मोबाइल में एक फ़ोटो खींचो, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो प्रिंट नहीं कर पाएंगे और आप इस फ़ोटो को अपने साथ अपने पास नहीं रख पाएंगे। अब क्या होता है, अभी भी इस बात को मजाक में ही लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब दोपहर का वक्त होता है और अदा शर्मा को याद आता है कि मेरे सारे टीम मिलकर उस तस्वीर के साथ फ़ोटो खींचे थे, तो वह उन लोगों से उस तस्वीर को मंगवाती है। तब उसने देखा कि जो तस्वीर उन्होंने खींची थी वो बिल्कुल धुंधली है, उसमें कुछ ही नहीं पता चल रहा है कि कौन है कौन नहीं है। वह सोचती है कि शायद मैं टीम मेम्बर को डराती रहती हूँ, इस वजह से उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया है। और फिर एक रात वे बाथरूम जाती हैं और देखती हैं कि सारे बाथरूमों का डोर लॉक है। तब वे नीचे के बेस्ट रूम के बाथरूम में जाती हैं और वे चली तो जाती हैं, लेकिन अचानक से उनके बाथरूम का डोर लॉक हो जाता है और वे डर जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं और 15 मिनट तक नॉनस्टॉप चिल्लाती रहती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है। जबकि उनके नज़दीक सारे लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। जब वे बाथरूम से कैसे भी हिम्मत छुड़ा कर निकल के बाहर आती हैं तो सारे लोगों से पूछती हैं कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी, किसी को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी? तो उनके टीम के मेंबर सारे बोलते हैं कि हम लोग को ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। तब अदा शर्मा और डर जाती हैं और अदा शर्मा को यकीन होता है कि हवेली में सच में कोई चुड़ैल रहती है। वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।